नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल रिएक्शन विथ लक्ष्मण आर्या में। तो गाइज, आज जिस मैं वेब सीरीज़ पर रिएक्शन देने वाला हूँ, जिस वेब सीरीज़ पर मैं बात करने वाला हूँ, जिस वेब सीरीज़ का रिव्यू करने वाला हूँ, उस वेब सीरीज़ का नाम है रॉकी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए उस वेब सीरीज को, और ये जो वेब सीरीज है ये कुकू एप्लीकेशन और कुकू एक यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोडेड है, तो वहाँ भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। बट यहाँ पर रिएक्शन एंड रिव्यू, उसका स्टोरी भी मैं बताऊँगा, रिव्यू भी करूँगा, तो आप लोग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ यहीं पर मिलेगा। परोसा परोसा मतलब कि खाना वाना सब पकाया हुआ सिर्फ परोस कर मिलेगा, तो आप लोग यहीं पर जुड़े रहिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। और आप लोग के लिए एक ऑफ़र है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक चैनल का लिंक दिया है जो फनी आर्या है, उस फनी आर्या जो मेरा ही चैनल है उस चैनल पर जाइए और उसको सब्सक्राइब और बेल घंटी को प्रेस कर लीजिए, और उसी चैनल पर अपना वीडियो का लिंक और चैनल का नाम दोनों ही मेंशन करके, यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जो भेजिए, हम अगले वीडियोज में आपके चैनल को जरूर प्रमोट करेंगे, ये मेरा वादा है। और रुको जरा, सब्र करो। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भैया ये रॉकी में, ये कुकू एप्लीकेशन पर आया है, ये जो रॉकी में है क्या हॉकी जमाए हुए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रश्मि, रश्मि बेटा, शादी के लिए मना कर दे। तो खुद क्यों नहीं मना कर देती? अबे अपनी औकात देखिए, बाइक पे घूमता है और मुझे फरारी वाला लड़का चाहिए। तो फाइनली हमारे रॉकी को रॉक करने वाली मिल ही गई। रॉक ही नहीं मैम, उसने तो मुझे शेक भी कर दिया। इतनी इंसल्ट के बाद तो कुत्ते भी दरवाजा छोड़ देते हैं। अरे मैं तो कुत्ते की दुम हूँ, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहूंगा, शादी तो तुझसे ही करूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। औरत तभी तक नकचढ़ी होती है जब तक उस पे चढ़ने वाला सही तरीके से मर्द ना मिल जाए। हम दोनों एक ही तरह के हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। रॉकी की मम्मी का फोन आया था, उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया है। हेलो, आज तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है, छुट्टी नहीं ले सकती थी? छुट्टी ले लूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे पापा? पैसे नहीं आएंगे तो इस घर की किस्तें कौन चुकता करेगा? आखिर ये काम क्या करती है? तुझे तो हर बार मिलो तो तू कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगती है। वैसे मैं आंधी में दिया जला रहा था। आंधी तो मेरे अंदर भी आती है, तुम्हें देखकर। आओ मेरे अंदर दिया जलाओ। मुझे लगता नहीं कि मैं उसे इतनी जल्दी भुला पाऊंगा। I really miss her। उसे ही बुलाने के लिए तो मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो गाइज, हम लोग ने फाइनली देखा कि ये जो रॉकी है, ये जिस लड़की से मतलब कि शादी करना चाहता है वो लड़की को प्रपोज करता है, मतलब कि उससे लव हो जाता है, फाइनली ये है। तो उससे लव जब हो जाता है, और इस लड़के को तो मालूम नहीं है कि ये काम वाली लड़की है, बाद में मालूम भी नहीं चलता इसको। हाँ, बाद में जब जाती है उसको बुलाकर, उसके फ्रेंड एक रहती है कि मेरी बहुत उसको याद आ रही है, फ्रेंड को देखे ही होंगे, उसकी फ्रेंड जो रहती है वो मतलब उसके साथ बेड पे सोया रहता है, तो कहता है कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत मतलब कि उसको भुला नहीं पा रहा हूँ। हाँ, ये एग्जैक्ट वर्डिंग है कि मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूँ। तो उसके वो जो बोलती है, एक एक्टर है वो बोलती है, एक हीरोइन रहती है वो बोलती है कि भुला नहीं पा रहे, उसी का तो मैंने इंतजाम किया है। तो वो जिससे मतलब कि शादी लगा रहता है, जिससे के प्यार में पड़ा रहता है, वहीं उसके पास आती है, लेकिन इसको नहीं मालूम रहता है कि ये ऐसा कभी काम करती है। और जब इसको देखने आते हैं तो इसको घर वाले कहते हैं कि शादी कर लो, तो वो कहती है कि शादी तो कर लेंगे लेकिन आप लोग की देखभाल कौन करेगा, पैसा कमा कर कौन देगा। तो इन लोग को भी नहीं मालूम रहता है कि आखिर ये काम क्या करती है। तो सारा स्टोरी जो रॉकी का है इसी पर आधारित है, और यहीं इसका रिव्यू भी है। तो गाइज, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अरे वाह, राहुल गांधी को देखिए, मज़ा आया।
और ये जो मज़ा है हिंदुस्तान का हर व्यक्ति को देना चाहते हैं, तो दीजिए, आप भी दीजिए, इस वीडियो को फैलाकर शेयर करके अपने यार फ्रेंड सर्कल में फिर शेयर कीजिए। यार आप लोग अकेले देख लेते हैं, वीडियो देखकर चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना चैनल पर कोई कमेंट अच्छा सा करते हैं, कम से कम अच्छा से कमेंट भी तो कर दिया कीजिए। तो गाइज इसमें इतना ही, और मैं आप लोग को एक बार और फिर से याद दिला देता हूँ कि यदि आप अपना चैनल प्रमोट करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ही एक चैनल जो फनी आर्या का चैनल है उसका लिंक दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक कीजिए और उस फनी आर्या के चैनल पर जाइए और उसको सब्सक्राइब और बेल घंटी को प्रेस कर लीजिए, और उसी के वीडियो के नीचे ही, कोई भी वीडियो के नीचे कमेंट में अपना चैनल का नाम और अपना चैनल का लिंक दोनों ही सेंड मुझे कर दीजिए, ताकि मैं अगला जब वीडियो बनाऊंगा तो आपका चैनल का नाम और लिंक दोनों ही अगले वीडियो में मैं मेंशन करूंगा, नीचे चैनल का नाम भी लिखूंगा और उसका लिंक भी लिखूंगा और आपके चैनल को प्रमोट करूंगा। और गाइज सीन कैसा कैसा था? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अरे वाह, नरेंद्र मोदी को देखिए तो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो गाइज सीन भी बहुत मस्त है और हसीना भी बहुत मस्त है और उसका सीना भी बहुत मस्त है, रैपचिक है, जो रैपचिक बोलते हैं। तो मज़े उठाइए, लुफ्त उठाइए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हॉट वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।